स्टार्ट विथ आवर टंग. ठीक है, टंग क्या चीज होती है? टंग इज अ मास ऑफ द स्केलेटल मसल कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन. ठीक है, कि इस तरह से अगर इसको साइड से टंग को देखा जाए तो इस तरह से ये टंग है आपकी. ठीक है, सॉरी मैं एक मिस्ट बना रहा हूँ. ये टंग है. ठीक है, ये टंग का वेंट्रल सरफेस है. ठीक है, ये टंग की डॉर्सम सरफेस है. ठीक है, वेंट्रल सरफेस और डॉर्सम सरफेस है. ठीक है, यहाँ पे अपर आपके टीथ्स हैं. ठीक है, ये लोअर टीथ्स हैं. ठीक है, इस तरह से ये लिप्स आ जाएंगे. ठीक है, लोअर लिप और ये वाला अपर लिप. ठीक है, तो इस तरह से ये जबान है. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, वर्टिकल हैं. ठीक है, और ट्रांसवर्स इस तरह से आ रहे हैं. ठीक है, तो मसल्स हैं इसके अंदर. अच्छा, एक बात तो ये होगी. फिर कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर. तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन असल में क्या होगी? म्यूकोजा. इस तरह ही आप कह सकते हैं ना कि म्यूकोजा हो सकती है. म्यूकोजा में क्या हो सकता है? एपिथिलियम हो सकती है. ठीक है, तो या लैमिना प्रोप्रिया हो सकता है. ठीक है, लेकिन हमने उस ट्यूबुलर सिस्टम से इसको कन्फ्यूज नहीं करना. बस म्यूकस मेम्ब्रेन है. म्यूकस मेम्ब्रेन में आ जाके क्या होती है? एपिथिलियम होती है. कौन सी एपिथिलियम है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथिलियम है. स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस क्रेटिनाइज जो होगी वो डॉर्सम सर्फेस पे होगी. ठीक है, इधर तक. और जो वेंट्रल सर्फेस उस पर होगी ये एपिथिलियम, लेकिन नॉन क्रेटिनाइज होगी. ठीक है, एक ये बात. मसल फाइबर्स का भी मैंने बता दिया कि इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वर्टिकल होते हैं. ठीक है, अब म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो डिवाइड हो सकती है एंटीरियर टू थर्ड में और पोस्टीरियर टू थर्ड में वाया अ ग्रूव ऑन द सरफेस ऑफ द टंग, ऑन द डॉर्सम सरफेस ऑफ द टंग. उसको कहते हैं सल्कस टर्मिनलिस कहते हैं. ठीक है, इस तरह से अगर मैं इसको टंग को ऊपर से इस तरह से देख रहा हूँ, ठीक है, तो टंग इस तरह से नजर आएगी. ठीक है, ठीक है, अब ये जो वी है वो इस तरह से है. ठीक है, ये है सल्कस टर्मिनलिस. ठीक है, अब सल्कस टर्मिनलिस से आगे देखें कि टंग कितनी ज्यादा है, टू थर्ड. और सर्कल टर्मिनलिस से पीछे देखें टंग कितनी रह जाती है, वन थर्ड. ठीक है, सो अब एंटीरियर टू थर्ड और पोस्टीरियर वन थर्ड. ओके, एंटीरियर टू थर्ड और पोस्टीरियर वन थर्ड. अब देखते हैं एंटीरियर टू थर्ड में क्या है. कहता है फोर टाइप्स ऑफ लिंगुअल पेपिलाज हैं. लिंगुअल मीन टंग एंड पेपिलाज मीन प्रोजेक्शन. यानी इसके टंग के सरफेस के ऊपर इस तरह से प्रोजेक्शंस हैं, इस तरह से प्रोजेक्शंस हैं, इस तरह से प्रोजेक्शंस हैं, इस तरह से प्रोजेक्शन है. चार प्रोजेक्शंस हैं. ठीक है, अब ये चार प्रोजेक्शन क्या है? तो फिलीफॉर्म पेपिला हैं, ये नोकीले हैं. ठीक है, ऑल ओवर द डोर्सम ऑफ टंग होते हैं, कॉनिकल इन शेप होती है, लेकिन इनमें टेस्ट बर्ड्स नहीं होती. अब ये टेस्ट बर्ड्स क्या चीज है? दीज आर टेस्ट बर्ड्स. ठीक है, ये टेस्ट बर्ड होती हैं. सेकेंड ईयर फिजियोलॉजी स्पेशल सेंसेस टेस्ट बर्ड्स. ठीक है, अगर किसी ने देखना है कि टेस्ट बर्ड क्या होती हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं. ठीक है, सो अब ये देखें फिली फॉर्म में टेस्ट बर्ड्स नहीं है. ठीक है, टेस्ट फॉर्म इसमें फिली फॉर्म पेपिला में टेस्ट बर्ड्स नहीं है. ठीक है, उसके बाद कहता है फंगी फॉर्म पेपिला मशरूम की तरह के होते हैं. मशरूम, यू नो मशरूम इस तरह से होती है. मशरूम इस तरह से होती है. मशरूम तो ये देखें ये भी मशरूम की तरह के ही है ना. तो कहते हैं नियर द टिप ऑफ टंग पे ये प्रेजेंट होते हैं. मतलब यहाँ पे ये ज्यादा होंगी, इस जगह पे ज्यादा होंगी. ठीक है, टिप ऑफ द टंग पे ज्यादा होंगी यहाँ पे. ठीक है, और क्या कहता है मॉडरेट नंबर ऑफ द टेस्ट बर्ड्स. टेस्ट बर्ड्स होती हैं लेकिन बहुत ही कम. ये देखें हमने फंगी फॉर्म बात की है ना, यहाँ पे देखें टेस्ट बर्ड्स हैं लेकिन फ्यू टेस्ट बर्ड्स हैं. ओके, अच्छा आगे क्या कहता है? कहता है सर्कम विलेट पेपिली डूम शेप होते हैं, गुंबद की तरह के, जैसे मस्जिद का गुंबद होता है ना उस तरह से होता है. फिर कहता है एंटीरियर टू द वी शेप सर्कस. ठीक है, वी शेप सर्कस के एंटीरियर यानी यहाँ पे पड़ी होंगी ये सर्कम विलेट, यहाँ पे होंगे. ठीक है,
फंगी फॉर्म यहाँ पे होंगी और जो बाकी हैं फिली फॉर्म वो पूरी सरफेस के ऊपर होंगे टैंक की, ठीक है। इंटीरियर की बात हो रही, पोस्टीरियर भी नहीं कर रहे हम, इंटीरियर की बात हो रही है, ठीक है। सो आगे क्या कहता, कहता फोलिएट पैपिले, ठीक है, फोल्डिंग लाइक शेप होती है इनकी, ठीक है, ये फोल्ड बना हुआ है ना। फिर कहता लेटरल बॉर्डर ऑफ द टंग, ठीक है, ये लेटरल बॉर्डर है टंग के, यहाँ पे होते हैं ये। व्हाट अ ब्यूटीफुल डिस्ट्रीब्यूशन, फोलिएट पैपिली यहाँ पे होंगे, ठीक है। फंगी सॉरी जरा, हाँ, फंगी फॉर्म जो होंगे वो टिप पे, ठीक है, और सर्कमविलेट जो है वो एंटीरियर टू द टंग पे हैं, ठीक है, और बाकी जो हैं फिली फॉर्म वो ऑल ओवर द टंग है, फिली फॉर्म। सो डोंट फॉरगेट द लोकेशंस, ओके। अच्छा, ये हो गया। अब कहते हैं एट पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द डोर्सम ऑफ द टंग देर इज नो पैपिली रादर देन लिंगुअल टॉन्सिल्स। लिंगुअल टॉन्सिल्स तो होते हैं लेकिन पैपिली नहीं होते, मतलब ये पैपिली वाला सिस्टम नहीं होगा। यहाँ पे इस तरह से क्या होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, ये लिंगुअल टॉन्सिल्स होंगे। फॉर टॉन्सिल्स यू मे वॉच माई लेक्चर ऑन इट, ठीक है। लिंगुअल टॉन्सिल्स इज अ मैस ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट एट द रूट ऑफ द टंग, ठीक है। रूट ऑफ द टंग क्यों कहते हैं कि यहाँ से, तो जब यहाँ पे इस तरह से है ना टंग, यहाँ पे यूविला आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे यूविला आ गया, ठीक है, यहाँ से यूविला से यहाँ पे पोस्टीरियर नॉस्ट्रल्स, ठीक है, इधर से करते करते यहाँ पे ये नोज आ जाती बंदे की, ठीक है। सो यहाँ पे तो ये जो एरिया, मैं इसलिए आपको रिलेशन बताया कि ये जो एरिया, ये गला, ये गला आ जाता है, ठीक है। सो ये यूविला है, ये इसके पास ये रूट ऑफ द टंग है। सो तो रूट ऑफ द टंग पे इस जगह पे क्या है, इस जगह पे क्या है, लिंगुअल टॉन्सिल्स हैं, ठीक है। सो प्रेजेंट एट द रूट ऑफ टंग इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, तो ये रिंग्स की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। लिम्फोइड टिश्यू हैव लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स कंसर्न विद द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी एज अ पैथोजन एंड इनिशिएशन ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स। सो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी टंग के ऊपर, ठीक है, थैंक यू।